आवागमन बाधित हो गया है। पूरा मतलब व्यवसाय उत्तरी क्षेत्र का तो व्यवसाय एकदम चौपट हो गया है और गोला बाजार का भी व्यवसाय लगभग 60% मर चुका है। यदि यह रास्ता नहीं खोला जाता, अंडरपास नहीं बनाया जाता है, तो खलीलाबाद की स्थिति एकदम दयनीय हो जाएगी। और व्यवसाय चूँकि यहाँ उद्योग सही सलामत कोई है नहीं, इसीलिए और उद्योग तो बाधित है ही है, व्यवसाय भी पूर्ण रूप से बाधित हो जाएगा। नतीजा ये होगा कि यहाँ के बासिंदे जो नगर पालिका के अंतर्गत रहते हैं उनको पलायन कर जाएंगे या तो उनकी रोजी रोटी मारी जाएगी। सबसे आसान तरीका है कि अंडरपास बना करके आवागमन सुनिश्चित कर दिया जाए, जिससे इस जिले की, क्योंकि यह नेपाल से लेकर के और मध्य प्रदेश को पूरा जोड़ता है ये सड़क, और आज से नहीं, जबकि हमारा संविधान तो ये कहता है 12 साल जिस मेड़ पर आप चलते हैं लगातार, वह मेड़ भी अवरुद्ध नहीं किया जा सकता। अब चूंकि आंदोलन किया जाएगा, लोगों को अवगत कराया जाए, और सबसे प्रमुख चीज ये है कि आने वाला चुनाव उसको हम उसका हम लोग बहिष्कार करेंगे। रेलवे का जो पुल बना, इसके परिणाम स्वरूप खलीलाबाद दो भागों में बट गया। एक तो रेलवे लाइन के दक्षिण से पूरा उद्योग चौपट हो गया, यहाँ व्यापार चौपट हो गया। दूसरी बात, ये पुल जहाँ उतरता है वहाँ के बाद लोग चले जाते, पूरा गोला बाजार व्यापार की दृष्टि से अछूता हो गया। इसलिए सब लोग मन बना के बैठे हैं, जब तक यहाँ या तो इस पार से उस पार जाने के लिए अंडर पास नहीं देंगे या रेलवे गेट पार करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक हम लोग संघर्ष करेंगे। हमने रेल राज्य मंत्री को एक ज्ञापन दिया था, लेकिन उनका एक लिखा हुआ जवाब आ गया कि रेलवे बोर्ड का एक प्रस्ताव है, जहाँ हम ओवरब्रिज देंगे वहाँ गेट बंद कर देंगे, क्योंकि उससे हमारा बचत होता है, हमारे 2-3 कर्मचारी लगते हैं गेट पर। ये उनका ये एक जवाब आया था। ये इसीलिए हम लोग बैठे हैं कि जनबल का एक दबाव बनेगा, यहाँ से लेकर रेलवे बोर्ड तक, मंत्री तक हम अपनी बात रखेंगे कि ये सड़क जो है इलाहाबाद से लेकर सीधे आप दक्षिण चले जाइए, कहीं मत रास्ता बदलिए, सीधे आप इलाहाबाद पहुँच जाएंगे सीधे।